हेलो एवरीवन, कैसी कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। मैं सीमा चतुर्वेदी स्वागत करती हूँ आपका सीमा स्वीट होम में। तो पूजा हो चुकी है, यहाँ पर भोग भी लगा दिया है और गोपाल जी की पोशाक भी चेंज हो चुकी है। आज हमारे लड्डू गोपाल जी की इच्छा समोसे कचोरी की हो रही थी, तो आज है संडे और लड्डू गोपाल जी मना रहे हैं संडे। इस तरह लड्डू गोपाल जी के साथ साथ हम लोगों ने भी संडे ही मनाया है और नाश्ते में समोसे कचौरी खाए हैं। उसके बाद आ चुके हैं हम किचन में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने आलू उबाल लिए हैं, आलू छील लिए हैं और यहाँ पर लग रहा है हमारा आटा, जिसमें कि मैंने घी का मोइन डाला है, क्योंकि हम बना रहे हैं आलू के पराठे। आलू के पराठे का आटा बहुत ही अच्छे से मसल के सॉफ्ट मारा जाता है, क्योंकि यदि आटा सॉफ्ट नहीं होगा, उसमें थोड़ा मोइन नहीं होगा, तो पराठे अच्छे और सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो उसके बाद हमने आलू गरम गरम ही आलू मैश कर दिए हैं, क्योंकि यदि आलू ठंडे हो जाते तो गांठे पड़ जाती हैं, इसलिए आलू गरम के गरम ही मैश कर दिए थे। इसके बाद यहाँ पर आलू का मसाला रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने डाल दिया है खूब सारा हरा धनिया, नमक, काला नमक, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, कच्चा जीरा और सौंफ। सौंफ यहाँ पर हमने थोड़ी ज़्यादा ही डाली है, करीब करीब 3 चम्मच सौंफ डाली है और 1 चम्मच के करीब जो छोटी चम्मच रहती है हींग, क्योंकि यदि मसाले अच्छे होंगे तभी आलू के पराठे टेस्टी बनेंगे। और इन मसालों को हमने बहुत अच्छे से एकदम मैश करके आलू के अंदर मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा कच्चा जीरा भी भुना है, क्योंकि हम चटनी में कच्चा जीरा डालेंगे। तो यहाँ पर हम धनिया की चटनी बना लेते हैं। सबसे पहले धनिया डाल देंगे, क्योंकि अगर ये ऊपर रह जाता है तो फिर पिसता नहीं है, दिक्कत होती है, इसलिए इसको सबसे पहले नीचे डाल देंगे। उसके बाद हरी मिर्ची तीखी नहीं है इसलिए ज्यादा डालिए, और टमाटर, इससे पहले मसाले डाल देंगे, काला नमक, और ये जो हमने जीरा भुना है अमचूर पाउडर, ये हमारी धनिया की चटनी। अब हम बनाएंगे पराठे। तो पराठे बनाने से पहले मैं आपको एक टिप्स देना चाहूंगी यहाँ पर, कि जब भी आप पराठा बनाएं तो इस तरह से रोटी बेल करके हल्का सा थोड़ा सा आटा रस्ट कर लें, सूखा आटा, उसके ऊपर आप मसाला भरें और मसाला भरने के बाद में फिर से थोड़ा सा आटा उसके ऊपर रस्ट कर लें। तो यदि आप इस तरह से कर लेते हैं आलू के पराठे नहीं, कोई से भी पराठे में, तो आपका ये मसाला बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और जब आप बेलेंगे तो आपको बेलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से कोई भी पराठा बड़ी इजीली बेल लेता है। तो आप एक बार इस तरह से पराठा जरूर बनाएं, और ये पराठा इस तरह से बनाने से फूलता भी बहुत अच्छा है, तो जरूर ट्राई करें। इसी तरह यहाँ पर एक और टिप्स देना चाहूंगी कि जब भी आप पहला पराठा डालें तो तवे को हल्का सा चिकना कर लें, कि उससे क्या होगा कि पराठा जो आपने डाला है वो चिपकेगा नहीं, क्योंकि अक्सर सब्जियों वाले पराठे तवे पे चिपक जाते हैं। तो यदि आप हल्का सा तेल या घी लगा लेते हैं तो आपका पराठा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और इसी तरह हम हमारा दूसरा पराठा भी उसी टिप्स के अकॉर्डिंग वापस से बनाएंगे। तो और आटा बहुत आपको कम लेना है, कोई ज्यादा आटा इसमें नहीं लेना है, लेकिन ये टिप्स बड़े काम की है और आप बड़े आसानी से पराठे बना पाएंगे। तो इस तरह हमारे बाकी के सारे पराठे रेडी हो जाएंगे। तो यदि हमारे छोटे छोटे टिप्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो ऐसी ही छोटी छोटी टिप्स के साथ में हम
बार बार आपसे मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं लड्डू गोपाल जी की थाली। ये है मक्खन जो कि मिश्री चीनी डाल करके मीठा बनाया हुआ है, मीठा मक्खन। और ये दही और चटनी, और दही में डाल देते हैं हम थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची। यहाँ पर ये हमारे फूले फूले आलू के पराठे, और रख देते हैं तुलसी। तो चले, आज हमारे लड्डू गोपाल जी के भोग में है आलू के पराठे, धनिया की चटनी, मसालेदार दही और माखन। इस तरह ये हमारी आंवला कैंडी जो कि हमने पिछले ब्लॉग में बताई थी आपको, वो धूप में सूख रही है और हल्की हल्की सूखने भी लगी है। ये कपड़े यहाँ पर दीवान में इकट्ठे हो चुके हैं, और ये सारे सर्दियों के कपड़े हैं जो कि धुल करके, प्रेस हो करके और यहाँ इकट्ठे होते जा रहे हैं, लेकिन इनको रखने का टाइम ही नहीं मिल रहा कभी कुछ। तो आज तो हम पक्का इनको रख ही देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि दीवान पर जो इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि ये इस दीवान में रखे जाते हैं, और वैसे ये दीवान ज्यादा यूज में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। कभी नहीं कर रहा, लेकिन ये बार बार मुझसे कह रहे हैं इस तरह यहाँ पर दीवान की मैट्रिक्स भी हटाई है, और उसके बाद में दीवान को खोल करके जमाएंगे। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये भी है, क्योंकि ये दीवान रखा हुआ है हॉल में और मेरे ऊनी कपड़े सारे इसी दीवान में हैं, तो यदि दिन में करते हैं तो यदि कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो अचानक से, देखो मेहमान का कुछ पता नहीं रहता है, कभी भी आ सकते हैं, तो उस समय पे ये मेरे लिए बहुत दिक्कत की बात हो जाती। इसलिए भी मैंने इसके लिए रात का ही समय चुना है कि मैं रात को आराम से कर सकूं, कोई टाइम की लिमिट ना रहे। तो मैंने बड़े आराम से रात में लेट तक इस काम को किया है, और इस तरह के काम मैं अक्सर रात में ही करती हूँ जिससे कोई डिस्टर्ब ना हो और अपन काम को पूरा भी कर सके। तो इस तरह मैंने दीवान खाली करके सबसे पहले जो मेरे कपड़े रखे हुए थे दूसरे कोई भी कपड़े नहीं है, सारे ऊनी कपड़े हैं। तो यहाँ पर पूरा दीवान खाली हो चुका है, और एंड के अखबार वगैरह जो भी हैं पुराने वो भी निकाल देंगे, चेंज कर देंगे और साफ कर देंगे। हालांकि आप देखेंगे कि वो साफ ही है, कोई ज्यादा कचरा कुछ निकलता नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी यह है कि यदि अपन करते रहते हैं तो ज्यादा इकट्ठा नहीं होता है। इसीलिए मैं हर बार साल में एक बार तो इस तरह के जो काम है उनको करती हूँ, और मैंने दोबारा नए अखबार बिछा करके, और अब वापस से तो इसमें से कपड़े भी अगर छांटने हैं तो भी फट जाएंगे, और जो कपड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं कभी कभी निकालने में तो वो भी सेट हो जाएंगे। तो जो नए कपड़े अभी धोए हैं या जो पहने गए थे यूज में आए हैं, उनके साथ साथ जो पहले के रखे हुए हैं सारे कपड़ों को एक साथ जमाएंगे। तो इस तरह मैंने ये पूरा दीवान सेट किया है, अलग अलग सबकी रॉ बनाई है जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो मेरा दीवान सेट हो चुका है।
सारे कपड़े मेरे जम चुके हैं, सभी के मैंने अलग अलग कर दिए हैं। जर्किन है, ये बच्चों के हैं, ये सारे शॉल हैं, ये मेरे कार्डिगन हैं, ये थर्माकोट और एक्स्ट्रा जर्किन है, और ये रहे हमारे टोपे जो कि अभी रखे नहीं गए हैं। इस एक बड़े टोपे के अंदर मैंने इनको बांध दिया है, तो इस तरह से जम गया है ये, और इसको इसके कपड़े से रख भी देते हैं इस तरह से, इससे इसमें कोई भी डस्ट वगैरह अंदर नहीं जाएगी। और कपड़े अलग अलग सबके रॉ में रखने का मन से यदि इसको जो चाहिए वो बड़े आसानी से मिल जाए, ना कि पूरा जमा। तो हमने ये पूरा हमारा जमा दिया है, अब हम इसको बंद करके लॉक लगा देते हैं। तो इस तरह हमने उन्हीं कपड़े जमाने के बाद में मैट्रेस वापस से लगा दिया है, दीवान सेट कर दिया है, क्योंकि ये सब काम हम रात में ही करके सोएंगे, क्योंकि सुबह के लिए तो ऑलरेडी काम बहुत सारे हो जाते हैं। तो इस तरह मैंने सारा जमाने के बाद में पूरा टेबल वगैरह सारी साफ कर दिए हैं, और उसके बाद में जो कुछ एक्स्ट्रा कपड़े निकाले थे वो भी अभी आपको बताएंगे जो कि हमने देने के लिए निकाले थे। तो यदि आपने हमारा ब्लॉग यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी, और लेकर के आते हैं एक और प्यारा सा ब्लॉग। तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और मिलते हैं एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।